चौथे स्तंभ को मेरा जोहार, धन्यवाद भी कहेंगे कि आपने अपने समय को दिया है, और बधाई और धन्यवाद इसलिए देंगे कि आपने शुरू से जब से आंदोलन हमारा चला और जब से राज्य में माटी की लड़ाई को लेकर, खतियान की पहचान को लेकर एक लड़ाई छिड़ी, उसमें आपने शुरू से लेकर अब तक कवर करने का काम किया है और हमारे आवाज़ को आप अपनी आवाज़ समझकर राज्य से लेकर देश तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए पुनः एक बार आप तमाम पत्रकार बंधुओं को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मेरा झारखंडी जोहार। मैंने आपने भी कवर किया और देखा कि आज सामूहिकता का जो निर्णय हुआ है, जो सामूहिक निर्णय हमारे राज्य के झारखंडी खतियानी मुस्लिमों ने एक निर्णय लिया, चूँकि लगातार हमने और हमारे पूरी टीम ने राज्य के 2400 जिला का हम लोगों ने दौरा किया और जगह जगह पर हम लोगों ने विचार किया कि इस लड़ाई में हमारा योगदान क्या होगा, चूँकि तमाम जगहों से ये आवाज़ उठने लगी थी कि मुसलमानों की जो भूमिका होनी चाहिए, जो मुसलमानों का योगदान होना चाहिए, वो कहीं इस आंदोलन में दिख नहीं रहा है, मुसलमान इस आंदोलन से बहुत पीछे है। चूँकि हम लोग गिने चुने थे, हमारे भाई मुखिया साहब थे, नजरुल भाई थे, और हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआती दौर से हम लोगों ने आंदोलन का साथ दिया और अपनी पहचान को लेकर, खतियान आधारित पहचान को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया और लोगों को जगाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं मुसलमान वर्ग इस आंदोलन से पीछे थे। तो हम लोगों ने एक पहल करके आज पूरे 2400 जिले के मुख्य मुख्य लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया, हम लोगों ने कहा कि आइए और हम लोग मिलकर जो सामूहिक निर्णय हुआ है कि एक संगठन का विस्तार किया जाए, तो हम लोगों ने संगठन विस्तार हेतु आज झारखंड के राजधानी रांची में हम लोगों ने अपने संगठन को विस्तार किया और संगठन का नाम भी हम लोगों ने चिन्हित किया, हम लोगों ने संगठन का नाम भी दिया झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच। ये हमारा मंच है। अब हम लोग समान रूप से हम लोगों का जो मांग है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और उद्योग नीति, खतियान आधारित, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग मुखर होकर लड़ेंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी और लड़ाई चूंकि सरकार से हमारी है, चूंकि हम लोगों ने पहले भी कहा है और होना भी चाहिए, वाजिब है, सवाल सरकार से किया जाता है, सवाल सत्ता पक्ष किया जाता है, विपक्ष नहीं किया जाता है। चाहे देश की सत्ता पक्ष हो, राज्य की सत्ता पक्ष हो, हम लोग सवाल राज्य के मुखिया से करेंगे कि आपने जो जिन मांगों को लेकर, जिन मैनोफेस्टो को लेकर आपने सत्ता धारण किया है, आपके चुनावी क्षेत्र, चुनावी समय के कार्यकाल को अगर हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति लाएंगे, 1932 का जो हमारा पहचान है, उस पहचान को हमारी सरकार बनते ही लाएंगे। लेकिन आप देखे होंगे पत्रकार बंधु कि आपने देखा कि हमारी आंदोलन पुरजोर हुई, पूरे राज्य में विभिन्न जिलों पर राज्य के लोग निकले, माएं निकली, हमारी बेटियां निकली, सर पर कफन बांध कर निकली कि अंजाम क्या होगा। मुखिया को झुकना पड़ा। इससे पूर्व में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि 1932 गैर कानूनी है, यह लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अंत में कहा जाता है कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। हमारे नौजवानों ने, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता ने यह ठाना है कि आपका जो मैनोफेस्टो है, आपका जो वादा है, उस वादे को आप पूरा करोगे, आपका मैनोफेस्टो पूरा होना चाहिए, अन्यथा सरकार को भी गिराने में हम लोग लेट नहीं करेंगे, देर नहीं करेंगे। मजबूर हुआ सरकार, विधानसभा में आवाज उठी और विधेयक पारित हुआ। लेकिन अफसोस, जिस रूप में राज्य के लोगों के बीच में, झारखंडी जनता के बीच में वर्तमान की सरकार और उनकी गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से डंका बजाने का काम किया है, जिस तरह से मांदर बजाने का काम किया है पूरे राज्य में कि 1932 तो हमें मिल गया है। मुझे कल ही एक मैं किसी के दल का आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि सवाल सत्ता से होती है तो दलीय विचारधारा कहीं ना कहीं उत्पन्न होती है। तो आपने देखा, मुझे कहा कि 1932 लागू हो गया, तो हमने कहा कि साहब ये राज्यपाल तक अभी तक पड़ा हुआ है। राज्यपाल के यहाँ आप देखे होंगे, आप पता कर लें कि यहाँ से जो विधेयक पारित हुआ वो राज्यपाल तक जाकर रुक गया। अब ये लोगों को बताना होगा कि राज्यपाल तक वो रहेगा कि दिल्ली भी जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई, मैंने पहले भी कहा, ये जो खतियान हमारा जो मुस्लिम मंच बना है, ये लड़ाई सीधे राज्य से लेकर दिल्ली तक लड़ेगी। लेकिन मैं मान्यवर कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारी मांगों को, आपने जो विधेयक पारित किया है विधानसभा में, उस जो बिल है उसको आप दिल्ली कब भेजोगे, ये जनता पूछ रही है, झारखंड की जनता पूछ रही है, और ये सवाल हम लोग करने के लिए आएंगे। और अगर नहीं मानेगी तो फिर से उग्र आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी आर्थिक नाकाबंदी पर भी हम लोग करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ कोयला क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, धनबाद का क्षेत्र है, वो राज्य का खनिज सबसे ज्यादा दिया जाता है, तो धनबाद से दिया जाता है। लेकिन आप अगर वहां पर सर्वे करेंगे पत्रकार बंधु, तो आपको पता चलेगा कि वहां के लोग टीबी के बीमारी से मर रहा है, वहां के लोग ग्रसित हो रहे हैं पॉल्यूशन से, लेकिन सरकार कोयला बेचने पर बिजी है। आप वहां के लोगों पर चिंतित नहीं है, ना चिकित्सा पर कोई बात होती है, ना स्वास्थ्य पर ना कोई बात होती है, ना शिक्षा पर कोई बात होती है। हमारे आप पता कर ले, रांची में हमारे जिले से, हमारे ही जिले से नहीं, पूरे झारखंड के तमाम जिलों से लड़के यहां पर गांव से चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, तब जाकर पढ़ाई करते हैं। अंततः परिणाम यह होता है
ये क्वेश्चन लीक हो जाता है, ये निंदनीय विषय है। आपके हमारा आप इसका मतलब आपका पता चल रहा है इससे साफ कि व्यवस्था पे गड़बड़ी है, सिस्टम गड़बड़ है आपका, लड़ाई सिस्टम से है। मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य के वर्तमान के सरकार के एक विधायक माननीय श्री लॉबिन हेम्ब्रम जी को उन शेरे दिल को मैं अपनी ओर से सलाम पेश करता हूँ कि आप जैसे शख्स पूरे 81 विधायक अगर होते हैं तो ये जरूरत राज्य के मुखिया का नहीं हो। लॉबिन हेम्ब्रम ने सरकार में रहते हुए सरकार का विरोध किया, क्यों विरोध किया, उनका नीति सही नहीं है, उनका नियत सही नहीं। मैं आलोचना नहीं करता हूँ किसी को, किसी के मन को अगर ठेस पहुँचाए तो माफी चाहता हूँ, लेकिन सवाल किया जाता है चूंकि राज्य 22 वर्ष हो गए विभाजन के, राज्य की तस्वीर क्या है ये सोचने का विषय है। सवाल छात्र कर रहे हैं कि हम 5 वर्ष 6 वर्ष अपने समय को देते हैं लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है, बदले में क्वेश्चन लीक मिलता है, ये क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर हमारी जो संगठन है ये संगठन बात करेगी। मैं सरकार से और सरकार के मंत्रियों से और विशेषकर मैं मुख्यमंत्री से इस बात का मांग करूंगा कि स्टेट में हमारे राज्य में नियमावली बननी चाहिए, हमारे राज्य में कुछ सिस्टम बनना चाहिए। मुझे तो लगता है कि विस्थापन नीति बन जानी चाहिए, विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ा अगर मुद्दा आप देखेंगे, आप इससे पूर्व के मुद्दे को उठा लें तो धनगढ़ी का मामला है, हमारे बीच में बोकारो के भी लोग हैं, आप धनगढ़ी के मामले को अगर उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि विस्थापन के मार्ग को हमारी माएँ झेल रही है। बिना सूचना दिए आप बुलडोजर चलाने का काम करते हो, लड़ाई व्यवस्था से। मैंने पहले भी कहा है कि धनगढ़ी के दर्द को कौन समझेगा। पत्रकार बंधुओं, चूंकि आप चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं सलाम करता हूं पुनः, और आप दिखाने का काम करें, बताने का काम करें कि बेटियां बेटियों के दर्द को कौन समझेगा। अफसोस के साथ इस बात को कहेंगे कि राज्य पूरे विश्व के मानचित्र में अव्वल दर्जे पर आती है लेकिन हमारी माएँ पलायन कर रही हैं और किसी के घर की नौकरानी बनती, किसी के घर की दाई बन जाती है। यही केरला चले जाएं, वहाँ की व्यवस्था इतनी टाइट है, वहाँ की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि बेटियाँ अगर पलायन करती है तो किसी के यहाँ नौकर बनकर नहीं बल्कि नर्स बनकर जाने का काम करती है। इसलिए पुनः आप तमाम बंधुओं से मैं इस बात को कहूँगा कि आप सरकार से मैं मांग करूंगा कि आप जल्द से जल्द नियमावली बनावें, जल्द से जल्द नियोजन बनावें, खाद्यान्न आधारित जो मांग हमारी है उस मांग को आप पूरा करें और एक समृद्ध झारखंड देने का काम करें। अगर समृद्ध झारखंड नहीं होती है तो खाद्यान्न मुस्लिम मंच जो हमारा बना है ये आर पार की लड़ाई लड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर धरना देंगे और तमाम सांसदों के घरों पर भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।